मैं अपनी बीबी के साथ 10 साल से सुखमय जीवन बिता रहा था। आज मैंने दूसरों की बात सुनकर अपनी बीबी पर शक किया और पागल बनकर उसे मारा। देवी समान अपनी बीबी को मारने के पाप से आप ही मुझको परमेश्वर से माफ करवा सकते हैं फादर। आइंदा से तुम ऐसे पाप करने से बचते रहो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पाप से मुक्त करे। आमीन। फादर, इस धरती पर मेरा जन्म लेना ही पाप है, इसलिए ही मैं हमेशा पाप करता ही आ रहा हूं। कल रात मैंने एक पाप किया है। एक सीबीआई ऑफिसर ने मुझे पुलिस में पकड़वाने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सीबीआई डिपार्टमेंट के सूंघने वाले कुत्ते हो, लेकिन क्रिमिनल डिपार्टमेंट का मैं एक शेर हूं। अगर मिनिस्टर भी मुझसे मिलना चाहे तो बगैर अपार्टमेंट के मिल नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे बिजनेस के सारे राज पुलिस में बताने की कोशिश की, वो गलत है, बहुत गलत। नो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। सोसाइटी के नंबर वन वीआईपी माइकल राज और तुम्हारा भाई बिजनेस मैग्नेट एलेक्स राज, तुम दोनों समाज के बड़े लोग होते हुए देश के साथ गद्दारी करते हो, ये गलत है। हाँ रे, हम जो बिजनेस करते हैं वो गलत है। उसके लिए हमें पुलिस के हाथ पकड़वाओगे तो तुम्हारी तस्वीर पेपर में छपेगी। अगर हम चाहें तो जिंदगी भर तुम्हारी तस्वीर पर माला चढ़ा सकते हैं। माइंड इट। ऐसी धमकियां मुझे देना बेकार है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। तुम्हारी बनाई हुई नशीली दवाओं से कितने लोग मरे हैं ये तुम जानते हो? कम उम्र में न जाने कितने बच्चे कोकेन और ब्राउन शुगर के आदि होकर मर रहे हैं, ये पता है तुम्हें? तुम्हारी बनाई हुई जहरीली दारू पीकर आंखों की रोशनी खोकर कितने लोग तड़प रहे हैं, पता है तुम्हें? सुना बच्चों श्रीराम, हम ये सोच कर आए थे कि गोली मारकर तुम्हें कफन पहना देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारा भी एक कुंबा है, इसलिए नहीं मार सके, लेकिन मार सकते हैं। मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हारे पास जो नेगेटिव्स हैं अगर तुमने नहीं दिए तो कफन पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ये करोगे या वो करोगे, क्या क्या करोगे? ए सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। सिस्टर, तुम्हारा पति बहुत जिद कर रहा है, तुम समझाओ ना उसे, ये या वो, बोलो। छी, मेरा परिवार मर भी जाए तो भी मेरे पति अपने फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। क्यों बहन, तुम्हें जान की परवाह नहीं है? नहीं। अच्छी तरह सोचकर बताओ। नहीं नहीं नहीं। पति के सामने सुहागन बनकर मरना हर औरत की इच्छा होती है, इसलिए मैंने पहले तुम्हारी पत्नी को मारा। मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ, एट द सेम टाइम सैडिस्ट। ए माइकल राज, आज एक श्रीराम मर रहा है, कल 1000 श्रीराम पैदा हो गए, याद रखना। एलेक्स, बिन माँ बाप की बच्ची को क्या कहते हैं? अनाथ। नो नो, ये पाप। हमारी वजह से कोई बच्ची अनाथ नहीं होनी चाहिए। जाओ। जी। We'll be right back.
प्यारे पटाखा कैसा लगा? लूट लिया। बहुत खूब पटाखा एकदम अप्सरा के माफिक है। प्यारे वो उतने खूबसूरत क्यों है पता है? पर्वतों की रानी कौन? दार्जिलिंग। बिल्कुल सही, उस हसी दार्जिलिंग की वादियों में खिला हुआ फूल है ये चलती आती हुई लड़की। ओह तब ये ब्यूटी कमिंग फ्रॉम ऊटी। मांगा मांगा दिल ने मांगा प्यार चुमा तुझसे मांगा 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 दिल ने मांगा। मुझ पे जरा तरस खाना। मुझे क्यों कर न मिले जाने मन हाँ मिले तुम्हारी खूबसूरती का जाम मुझे भी मिले हाँ मिले हम तो मिले तो हजारों प्यार के फूल खिले मुझ पर भी ओ जानम प्यार थोड़ा सा लुटा दे। गोरी मन का भेद हो आज शर्म छोड़ सीने से लगा ले फिर मौका ना मिले पानी बंद कर आंखों से बह रहा जज्बाते ओ पानी बंद कर आंखों से बह रहा जज्बाते बीती जवानी फिर ना आती समझ ले ये बात। मांगा मांगा दिल ने मांगा प्यारा चुमा तुझसे मांगा ए 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 मांगा। ए जी सुनो जी सुनो भी। ये क्या सरोजा आजकल तुम दिन में ही शुरू हो जाने लगती हो देखने वाले क्या सोच जाएंगे। चुप रहो इसके सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। नहीं
पेपर पढ़ना छोड़ो, ग्राहक जो आए हैं उनको जाके देखो। क्या देखना है? इन लोगों को मैं सप्लाई करूंगा क्या? मुझे क्या समझ रखा है? इस इलाके में एक बड़ा होटल बनाकर मैं मालिक बनकर बैठा हूँ, साथ में तुम जैसी आँखों में लुभाने वाली अच्छी साइज की पत्नी होते हुए, खैर छोड़ो, देखने वाले कुत्तों की तरह जीभ निकालकर लार टपकाने के लिए 18 साल की परी जैसी बेटी पैदा करके बैठा हूँ मैं। इतना सारा बंदोबस्त करके बैठा हूँ मैं, मुझको क्या नीचा समझ लिया है तुमने भगवान? क्या चाहिए सर? पहले दो बोतल सोडा, दो प्लेट चिकन, दो प्लेट मटन लेके आ जा। सर ये शुद्ध शाकाहारी होटल है क्या? नहीं है। हाँ। अबे जा लेके आ। क्यों बे, हमारे यहाँ लफड़ा करने के लिए आए हो क्या? ये शुद्ध शाकाहारी होटल है, जो तुम मांग रहे हो यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों बे, बूढ़े खड़ूस हमारे इलाके में ही आकर हमें ही उल्लू बना रहा है। ए, हमने जो मांगा वो नहीं दिया तो तेरी बोटी काटकर इसी होटल में बेच दूंगा। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तुम मेरी बोटी काट कर बेच दो या फिर उसकी चड्डी बनाकर पहन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी बात पत्थर की लकीर है। क्यों भाई, मैं कौन हूँ जानता है तू? अच्छे लोग होते तो समझ जाता, तुम लोग तो कुछ और ही दिख रहे हो। इसे हम कुछ और ही दिख रहे हैं, अपने असली औकात दिखा दे। रुक जाओ, ये क्या पापा, इन लोगों की गुंडागर्दी देख के चुप खड़े हैं, पुलिस को फोन करना चाहिए ना। हेलो, बी4 पुलिस स्टेशन, कैसे हो इंस्पेक्टर? खैरियत तो है ना? मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, अपने गांधीनगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में लफड़ा कर रहा हूँ। इस रेस्टोरेंट की मालिक की बेटी तुमसे कोई कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। क्या कंप्लेंट? एक मिनट। हेलो मिस, इंस्पेक्टर लाइन पे है, बात करो। सुनो मैडम, उन लोगों से दुश्मनी मोल ली तो तुम्हारा होटल और तुम्हारी इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। चुपचाप फोन रख दो। पटाखा तो बहुत पावरफुल है। ए, क्या? क्या कर रहे हैं? अबे दादा बोला रहे, चल। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सुनो मिस, अगली बार जब हम यहाँ आए ध्यान रहे, हमारे साथ एडजस्ट करना होगा, नहीं तो इस होटल को हम शमशान घाट में बदल देंगे, समझ गई? अरे चलो। प्रताप, आज तुम रिहा हो रहे हो। क्यों रे, मुझे घूर रहा है? सीधी तरह खड़ा रहा वरना थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। पहले इज्जत से बात करना सीख ले। कैसे हो प्रताप?
प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? राजवर्मा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्रिया कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारे जेल जाने से पहले जब तुमने आखिरी बार अपनी बहन को देखा था, तभी मैंने भी उसे देखा था। उसके बाद प्रिया कहाँ गई, उसे क्या हुआ, ये मैं जान नहीं सका। अब तक तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें कैसे बताता प्रताप? पहले से ही तुम गमों का ढेर दिल में बसाए हुए थे, इसलिए मैं कैसे बताता कि तुम्हारी बहन लापता हो चुकी है। ये तुम कैसे सहते, इसीलिए नहीं बताया। मैं इसे जानता हूं, ये प्रिया का कॉलेज मेट है। बिमल राज बड़े घर का लड़का है, इसके बारे में कई कंप्लेंट्स आ चुके हैं। ये हमारे हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन काफी दिनों से कॉलेज आ नहीं रहा है। शर्मा जरा एड्रेस दीजिए। ले लीजिए सर। थैंक यू सर। विमल, नंबर 43, मुल्ला साहब स्ट्रीट, तेनापेट, चेन्नई 18।
साहब रोको रोको रोको, कहना फिर मुल्ला साहब शीट वहां पर लिखा है। क्यों भाई, 43 नंबर का बंगला यही है ना? हाँ ये बा, कौन चाहिए? विमल राज से, हमें उससे मिलना है। विमल राज? ऐसा तो यहाँ कोई ना ही। ए, सच बता, नहीं तो टोपी उतार कर हाथ में देकर किसी मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। सच बता। हम तो सच कह रहे हैं सर, पिछले महीने ही हमारे मालिक ने का खरीदा है, उसके पहले विमल राज अगर कोई रहता हो तो हमका नहीं पता है। तुम्हारे मालिक कहाँ है? वो तो परिवार के साथ विदेश गए हैं। इस बंगले के पुराने मालिक कहाँ, ये तुम जानते हो? हमका नहीं पता सर। सच में नहीं जानते? सच में हमका नहीं पता। सुनो प्रताप, ऐसा क्यों ना किया जाए? कैसा? अपनी प्रिया की तस्वीर को न्यूज़पेपर और टीवी में देकर अनाउंसमेंट कर दे कि इस लड़की को खोज कर लाने वाले को ऊटी में 2 करोड़ रुपए का इनाम तुरंत उसे दिया जाएगा। नहीं वर्मा, हमारी बहन अकेली नहीं आई होगी, किसी के साथ आई होगी। अभी वो किस हालत में है ये हम नहीं जानते। हमारी ये हरकत कहीं उसे किसी आफत में ना डाल दे, इसलिए हमें ही उसे खोजना होगा। मैंने भी यही सोचा था, किसी 5-star होटल में रूम बुक कर लूं क्या? नहीं, इसी इलाके में एक घर किराए पर ले लेंगे। ए, क्या बे, हम लोगों से पुलिस वाले भी सलाम करके भी सिग्नल देता है, तुम लोग पोस्ट दे रहे हो क्या? ओए, कौन है तू? भारत युवा संगम। ये किस चिड़िया का नाम है? आज के बाद तुम्हारी गुंडागर्दी इस महल में नहीं होने देंगे हम। तब तो इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। Hey! बहुत हो गया। Hey! हिम्मत है तो आगे आओ, मुंह क्या देख रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो। नादान बच्चे हैं, जोश में आकर होश खो बैठे हैं, इन्हें माफ कर दो। आप चुप रहिए सर, अब से हम इन्हें देख लेंगे। तेरी तो। अरे ये क्या, टिप्पू सुल्तान की तलवार लग रही है, इसे रिवर्स करो। भाई तुम तो हमारी होटल के कस्टमर हो ना, तुम लोग मेरी बात को मान जाओ। तुम जाओ जाओ, जल्दी जाओ, प्लीज जल्दी जाओ। राज वर्मा, कोई घर मिला? प्रताप, अपने रेंज का कोई घर नहीं मिला, सब बकवास घर मिला। प्रताप जरा वो पढ़ना। मुझे तो लगता है कि हमारे शहर वाला कोई है, कॉफी के बहाने अंदर घर की बात करते हैं। बाप रे बाप, ये लोग यहाँ भी आ गए क्या? साहब जी, आपके गांव का नाम जरदापुर है? नहीं नहीं, परदापुर है। आपका मतलब जो बार बार बेनकाब होता है उसे छोड़िए, यहाँ पर भाड़े पे कोई घर मिलेगा क्या? भाड़े पे नहीं मिलेगा, हर घर बिकाऊ है। लगता है सुरीले आवाज को कहीं सुना है। तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि हर आदमी की 6 आवाज भी होती है। हाँ, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि छक्के की एक अलग सी आवाज होती है, जो आज आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आखिर पर्दे के पीछे से क्यों बात कर रहे हैं? आज ही पर्दे की धुलाई की है, इसलिए किसी भी बदसूरत का चेहरा नहीं देखना चाहता। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, खा पी के बिना पैसा दिए ही निकल सकते है। ए, वो कौन है, तुम्हारी बीवी है या सेटअप है? बीवी सर हाँ? मेरा पत्नी सर। अपनी बीवी कहता है, सर पे थोड़ा सा गजरा लगा सकता था ना। क्यों जी, मेरे साथ आओगी? मैं गजरा लगा देता हूँ। तू बदमाश कंके। गुरु, गांधीनगर की सती सावित्री हम पे थूक रही है। थूकने से क्या होता है, जिस मुंह से उसने थूका उसमें थोड़ी सी एक पेक डाल दूंगा तो उसका मुंह साफ हो जाएगा। फट। प्रताप नहीं, ये हमारी जगह नहीं है। छोड़ दो, नहीं। ए, दीना, दीना।
बिल कितना हुआ ये पूछकर दे दो। क्या सर, सुना है कि आपको घर की तलाश है, एक घर है, आप यहीं रह जाइए। सॉरी, मुझे इस इलाके में घर नहीं चाहिए। सर एक मिनट मेरी बात सुनकर तब फैसला कीजिए। हमारे इलाके का नाम गांधीनगर है, पर यहां कोई आजादी से नहीं रह रहा। अभी आपने जिन गुंडों को मार के भगाया ना, वो अगर इस मोहल्ले में आ जाएं, तो व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, जवान बेटी वाले को अपने घर के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, वरना होने वाला नुकसान इज्जत का है या माल का है सिर्फ वही जानते हैं। ऐसी बात है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ ना। सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी नौकरी मिल सकती है, पर यहाँ के पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलता। प्रताप भाई, अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हमारी माँ बहन के साथ होती तो हम यूं छोड़ के चले जाते क्या? हमारे कारण यहाँ के लोगों का भला होगा, ऐसा जब यहाँ के लोग सोचते हैं तो इनकार करना कहाँ का इंसाफ है प्रताप। आज से हम लोग यहीं पर सेटल हो जाएंगे, बहुत देर से रोक के रखा हूँ। कोई तो बताओ कि लेटरिन किस तरफ है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। खोजबीन कर रहे हो? अच्छा, कल मेरा बर्थडे है, मुझे घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाना या फिर मेरे लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट खरीदने का सोच नहीं सकते हो क्या? एक बात जानती हो, तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंटेशन तैयार रखा हुआ है। मेरा बर्थडे प्रेजेंटेशन तैयार है? यस, बट देने से पहले एक छोटी सी कंडीशन। अब क्या कंडीशन? मैं तुम्हें एक प्रेजेंटेशन दूंगा, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। ओके ओके बाबा, नहीं पसंद आया तो वापस कर दूंगी। मुकरोगे तो नहीं ना? प्रॉमिस। अब दो आके बंद करो। वो किस लिए? बंद करो, उसी में तो थ्रिल है। यू नॉटी। क्यों पसंद नहीं आया? पब्लिक प्लेस में ऐसे किस करोगी तो किसे पसंद आएगा। आई एम सॉरी, वापस कर दो। अरे क्या हुआ बेटा? सर इस लड़की ने कहा बेटी का किया? मैं बताता हूँ सर, मैंने इस लड़की को कुछ दिया, बोला पसंद ना आए तो लौटा देना। अब इसे पसंद नहीं आया तो लौटा देना चाहिए ना? बेटी तुमका पसंद नहीं तो लौटा दो। दादाजी मुंह बंद कीजिए, आपको पता नहीं इस आदमी ने मुझे क्या दिया और आ गए हैं आप अपने बीच में पंचायत करने के लिए, वो सब मैं वापस नहीं कर सकती। वो कौन सा अलाउद्दीन का खजाना है? तुमको नहीं पसंद है तो वापस दे दो ना। हेलो, अपना मुंह बंद करो, मैं सरेआम ये सब वापस नहीं कर सकती। आप बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे क्या? आपको नहीं पसंद है वापस दे दो ना। आपको देखकर मुझे स्वर्गवासी दादा की याद आती है, बोलिए ना। सब कोई बोलो, वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे। अब क्या है, इन्होंने जो मुझे दिया है वो मुझे वापस करना है। हाँ बेटी, अपनी आंखें फाड़ के देखो। हेलो। क्यों सर, क्या चाहिए? क्यों भैया, खैरियत तो है ना? आप कौन है सर? मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। अरे मुझे नहीं जानते क्या? नहीं जानता। अरे ये क्या यार, आंखों के सामने खड़ा हूँ फिर भी नहीं पहचान रहा है? अबे देख पराई अमानत, हैरान ना हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान मत हो, समझ गया?
चल हाथ मिला। नहीं 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 चाहिए। नहीं जानता। आप मैडम मॉडर्न ड्रेस कोई देखेंगी? मैं बताता हूँ, ये आदम ईव की ड्रेस है क्या? आदम ईव का मतलब बर्ड ड्रेस? हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं। स्टॉक होता तो दिखाती ना। हम कस्टमर को नहीं दिखाएंगे तो और किसको दिखाएंगे? हाँ। कोई लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी है? लेटेस्ट मॉडल का ब्लाउज है। हाँ? उसमें ऐसा लेटेस्ट क्या है? जिप वाला है। ओहो, जिप, तब तो आराम हो गया। इनके साइज के दिखाइए, साइज जरा ठीक से देख लेना। एक पीस दिखाइए। ओके मैडम। ड्रेसिंग रूम का है? क्या बात है, दुकान में बिल्कुल भीड़ नहीं है? महीने का आखिरी दिन है इसीलिए। मैडम आप आएंगी? अभी आती हूँ। हेलो, आप रुकिए, मैं जाता हूँ, प्लीज। ए! सांप, सांप, सांप कहाँ गया? सांप? हाँ, सोचा सांप आया होगा, नहीं आया क्या? ए! तुम्हें किसने अंदर आने को कहा? कुछ नहीं, मुझे लगा सांप आया है इसीलिए। ना कोई सांप आया है ना कोई नेवला। ये जैकेट में जिप फंस गई थी, इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर खुल नहीं रही है। मैं मदद कर रहा हूँ। हाथ दूर रखो, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, बाहर लोग हैं वो क्या सोचेंगे? उनकी चिंता मत करो, मैंने सब सेटअप करके रखा है, डरो नहीं, मैं हूँ ना मदद करने के लिए। ओके ओके, दैट्स गुड। क्या हुआ? पूरी मत खोल देना वरना मुसीबत हो जाएगी। नहीं खोलूंगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। हाँ। हवाले जीवन अर्पण, मेरी जीवन के हो तुम दर्पण, तेरे लिए बनूंगा मोचन। स्वर्ग सा संसार मेरा सपना, पूरी दुनिया मानेगी देख के प्यार अपना। हवाले जीवन अर्पण। तेरे साथ होगी फिर क्या मुश्किल। मेरी प्यारी वंदना, मेरी सहारी, हर पल सीने में आग जलाने वाली। महक गया प्यार में चमन, तेरे हवाले जीवन अर्पण। पूरी दुनिया मानेगी देख के प्यार अपना। तूने जादू किया चाहत
सारी सारी। लगेगा मैं हूँ जन्नत में प्यार का मैं खूब जानती मुझे छुआ घने लगा वो जो ने जो सिखाया वैसे ही करे महक गया प्यार भी चमन तेरे हवाले जीवन हर पल मेरे जीवन के हो तुम तेरे लिए बनूंगा मोचन स्वर्ग सा संसार मेरा सपना पूरी दुनिया मानेगी देख के प्यार अपना अरे भागो 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 अरे क्या हो रहा है वो लोग फिर आगे लगते हैं अरे भागो देखो क्या हो रहा है वहां पर ओए अंदर कौन है बाहर लेके आओ ये क्या लिखा है यही है भारतीय युवा संघ इसी के लड़के हमसे पंगा ले रहे हैं पापा ये क्या ये क्या छोड़ मुझे तू ही इस होटल का मालिक है ओए अपने होटल का धंधा संभालने के बजाय हमको मारने के लिए आदमी सेट कर रहा है कहाँ है हीरो बुलाओ उसे नहीं 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 मैं इसके सर की कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसे कोई गुंडे सेट नहीं किए हैं क्यों रे झूठ बोलता है तू मुझे माफ किया ऐसा बोला रुक जाओ क्यों मेरे पापा को मार रहे हो क्यों हमारे एरिया में आके गुंडागर्दी कर रहे हो तुम लोगों को यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है इसीलिए ना इसीलिए तो उसने गुंडे पाल रखे हैं वो कोई गुंडा नहीं है वो मर्द है मर्द बोलो तो क्या तुम्हारे सपनों का राजा है या कोई ऐसा वैसा है मेरा होने वाला पति है और क्या पूछना है कुत्ते कमीने ये तो हमारे दादा की खेल है अगर अभी भी तू उसे मत का बच्चा समझती तो इस एड्रेस पर आने के लिए कहना नहीं तो तेरे फटे हुए ब्लाउज को सीने के लिए कहना तू क्या समझती है ये भाई साहब इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़े हैं अंजलि तुम तो बताओ कि यहां क्या हुआ है कम से कम आप तो बताइए कि वो गुंडे फिर से यहां पर आए थे क्या हां भैया हमें सिर्फ अपमानित नहीं करके वो प्रताप अगर मर्द है तो हमसे आकर मिले ऐसा कह के अंजलि को एड्रेस देकर गए हैं वो एड्रेस कहां है प्रताप वो लोग बहुत खतरनाक है तुम वहां मत जाओ एड्रेस उसका नाम क्या बोला गांधीनगर का सेवक सेवक कैसा सेवक सेवक का मतलब क्या है नहीं मालूम दादा नहीं मालूम दादा मुझे नहीं मालूम मुझको क्या मालूम किसी को भी नहीं मालूम इससे पूछो
सेवक क्या है कोई नहीं जानता, मतलब क्या? ये लास्ट वार्निंग है, आज के बाद तुझे या तेरे आदमियों को वहां देखा। शट अप, निगम में कहीं के एक आदमी आया और तुम सबको मारकर जिंदा वापस चला गया। थू, तुम लोग मर दो, शर्म नहीं आती? वो बहुत ही खतरनाक है। वो कौन है, नाम क्या? प्रताप। क्या? प्रताप चेक। आइंदा ऐसी बात लेकर मेरे पास मत आना, वरना तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। दफाओ चेक। उसका हूँ राजा, हाँ छुड़ा दूँगा।
पे खुशियों को भर दे मेरे रग रग में मेरी प्यास तू ही बुझा महजबी तू है साथ मेरी जारा मेरी ताकत बढ़ती है जीत मेरी होगी दुआ की मार राजा नहीं साथ राजा होश उड़ा दूं आजा कर सकती हो मुझसे नाराज हो नहीं बहुत थैंक्स किस लिए मुझको मेरी फैमिली को इस इलाके को तुम्हारे जरिए एक सुरक्षा मिली है सिर्फ ये बोलने के लिए यहां आई हो रो क्यों रही हो? जब तुम जेल में थे मैं तुमसे एक बार मिलने नहीं आई बात नहीं की सजाए आफ्ता के साथ अगर मैंने शादी की तो हम मर जाएंगे ऐसा मेरे माता पिता ने मुझे धमकी दी थी तुम्हें भुलाने के लिए ही हमारा परिवार ऊटी से मद्रास आ गया इतना होने के बाद भी मैं जीऊं या मैं मर जाऊं मेरी समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें याद कर करके मुझे सिर्फ रोना ही आया मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया ऐसा तुम समझते हो तो तुमने मुझे माफ कर दिया ऐसा सिर्फ एक बार कह दो अंजलि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया सबका वक्त खराब था मैं बस यही कह सकता हूँ मुझे ना किसी से कोई शिकवा है ना शिकायत तो मुझे देखते ही आपने मुझसे बात क्यों नहीं की क्या वजह है बताता हूँ दीप की तरह चमकने वाली अपनी बहन को खोकर अंधेरे में इधर उधर भटक रहा हूँ और इस अंधेरे में मैं तुम्हें नहीं देख सकता आप मुझे अभी तक गैर क्यों समझते हैं चाहे कुछ भी हो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना लें इसी में मेरी खुशी है
कौन हो तुम? इंडियन। शट अप। प्रताप कहाँ है? मैं ही प्रताप हूँ, बोलिए क्या काम है? बिल्ली और शेर में क्या फर्क है वो मैं जानता हूँ, सच सच बताओ प्रताप कहाँ है? क्या बात है? आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर। इस गांधीनगर कॉलोनी में बदमाशी ना होने का कारण प्रताप है, यह सुनने में आया है। माइकल राज की फैक्ट्री की गोदाम में घुसकर उनके आदमियों को मारकर वहां की सारी सामानों को तोड़फोड़ करने वाला प्रताप ही है, यह रिपोर्ट मुझे मिली है। तो उसके लिए मुझे अरेस्ट करने आए हैं? नहीं, उसी माइकल राज के दवाखाने में डुप्लीकेट विस्की और ब्रांडी बनाते हैं। उस नकली शराब को पीकर काफी लोग मर चुके हैं। तुम्हें उसका विनाश करना होगा, पूरी तरह विनाश। अपराध करने वालों का एड्रेस और उन्हें अरेस्ट करने का अधिकार अपने हाथों में रखकर किसी और को अधिकार देंगे तो ना तो आप पुलिस वाले कहलाएंगे और ना ही मैं कोई गुंडा हूँ। मिस्टर प्रताप, उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अधिकारियों से वारंट मांगू तो मुझे ही ट्रांसफर लेटर थमा देंगे। साधारण लॉ एंड ऑर्डर में रहने वाला मुझे ही नहीं, सीबीआई डिपार्टमेंट में काम करने वाला श्रीराम ऑफिसर को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया। अब तक उस केस का कोई पता नहीं। कानून के रूबरू होने वाले जुल्म के बारे में आप जैसी आम जनता बिल्कुल निडर होकर पूछे तो हमारी पुलिस इनडायरेक्टली सपोर्ट करने को तैयार है। इंस्पेक्टर होकर यह कहते हुए शर्म आती है, फिर भी आंखों के सामने होते हुए जुल्म को किसी भी तरह रोका तो आत्मा को तृप्ति है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट है। क्या कहते हैं सर? आप जो दूसरों को सलूट मारते हैं वही सलूट माइकल राज को मारते तो आज आप करोड़पति होते, लेकिन सरकार से जो तनख्वाह मिलती है उसे पाकर ईमानदारी से जीना चाहते हैं। आपके मकसद को मैं सलाम करता हूँ। मैं पहले एक बार जेल जा चुका हूँ, फिर से जाने में कोई हर्ज नहीं। गुड नाइट सर। थैंक यू प्रताप, थैंक यू। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कल रात ही माल भेज दिया था। ओए क्या है ये? अरे क्या कर रहे हो? क्यों रे, दवाई कंपनी का नाम रख के नकली दारू बना रहा है? जानते नहीं तुम किसकी फैक्ट्री है ये? किसकी है? माइकल राज। यही सवाल कोर्ट में वकील पूछेगा तो माइकल राज बोलोगे? डर क्यों रहे हो? अभी हम इस जगह को कबाड़खाना बना देंगे। जब माइकल राज पूछेगा किसने किया तो बिना डरे मेरा नाम बता देना प्रताप। क्या बोलेगा? प्रताप। क्या नाम बताएगा? प्रताप। प्रताप। प्रताप अच्छा नाम है, लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ भाई, उस दिन हमारे आदमियों को मारा और अब हमारे बिजनेस में क्रॉस कर रहा है वो। अब वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। सुब्बराव। तू ही प्रताप है क्या? तुझे माइकल राज ने बुलाया है। किस लिए? हम कारण नहीं बताते। बिना कारण जाने ये प्रताप किसी से नहीं मिलता। क्या चर्बी है? मैं कौन हूं तो जानता नहीं है? जानता हूँ, दूसरों की जूठन खाने वाला एक कमीना है तू। ए, तू सीधी तरह से आएगा तो वैन में बिठाऊंगा, वरना अर्थी से जाऊंगा। अगर तू अपनी अर्थी नहीं उठवाना चाहता है तो शराफत से यहाँ से चला जा। Come on!
बाबू। मेरी अर्थी उठवाएगा? हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं जख्मी शेर हूं, मुझसे टकराना छोड़ दो। हो सके तो अपने इरादे बदल लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें सुधारने का या ठीक करने का काम मेरा नहीं है और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। गुंडों को बैकबोन बनाकर तुम गुंडा राज चला रहे हो। अपना ये गुंडा राज बंद कर दो, वरना आज समझाने वाला ये प्रताप कल तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए यमराज बन जाएगा। हवा अपना रुख बदलती है, उगने वाला सूरज भी डूबता है। तुम भी इंसान बन जाओ, नहीं तो अगले कॉफिन बॉक्स में तुम नजर आओगे। मतलब प्रताप का कुछ नहीं कर सकते? क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुझे 10 लाख रुपए खर्च करके एमएलए बनाया, इस निकम्मे को इंस्पेक्टर बनवाया, क्यों रे? तू भी कुछ नहीं कर सकता? मेरा कहना कुछ गलत ना समझिए सर, उस गांधीनगर मोहल्ले के लिए प्रताप एक गॉडफादर बन चुका है। कोई भी झूठा केस डाल के उसको अरेस्ट करना चाहता हूँ। उस मोहल्ले के लोग स्टेशन की घेराबंदी करके हंगामा करते हैं। लगता है अगले इलेक्शन में एमएलए बन जाएगा वो। अगर हो सके तो करो, बोलो मत, प्रताप के बारे में बोलो मत, जाओ, चले जाओ, जाओ यहां से। सुनो हा? तुमने जो नोट दिया नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगी? इसमें इतना बड़ा खड्डा है। तुम्हारी होटल के बारे में भी तो बहुत बड़ा खड्डा है। ले आओ। तुम खड्डे की बात क्यों कर रही हो? उसने नोट दिया सीधा लेके अंदर कैश बॉक्स में डाल देना चाहिए ना। नमस्कार, मुख्य समाचार। शहर में जहरीली शराब धूमधाम से बिक रही है।
खबर है कि कल 5 कॉलेज स्टूडेंट, 3 सभ्य परिवारों की लड़कियां जहरीली शराब पीने के कारण अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रही हैं। इस सब को रोकने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो तुरंत एक्शन ले। नो! क्या हुआ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। वेलकम वेलकम। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी और बेटा प्रकाश। नमस्ते। ये दिनेश और उनके माता पिता। जाओ प्रिया से कहो कॉफी लेकर आओ। एक मिनट यहाँ आइए। क्या बात है लक्ष्मी? प्रिया अभी तक कॉलेज से नहीं आई। आज मंगनी है, जानते हुए कॉलेज क्यों भेजी? कोई स्पेशल क्लास थी, एक घंटे में आ जाऊंगी कहा था। उसने कहा और बिना सोचे समझे तुमने भेज दिया। प्रताप जी। डैड, मैनेजर वर्मा कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। तुम्हारी बहन कॉलेज गई है, उसे ले आओ। ठीक है, तुम जाकर कॉफी ले आओ। प्रिया कॉलेज गई है, प्रताप उसे लेने गया है, तुरंत आ जाएगी। आज मेरी मंगनी होने जा रही है, घर जाकर अपनी मम्मी डैडी को मैं क्या कहूंगी? मुझ पर जान छिड़कने वाले अपने भैया से क्या कहूंगी? इस शादी से मैं इनकार कर दूं या फिर तुमसे मैं प्यार करती हूँ ये जाकर उनसे कहूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ये लो जूस पियो। मुझे नहीं चाहिए। हे, ये बस कूल ड्रिंक्स है, कम ऑन कम ऑन यार, टेक इट इजी। तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी डैडी और भाई से मैं बात करूंगा। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। इसे पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? सालों से भूमि चक्कर काट रही है, तुम्हें एक दिन चक्कर आए तो कोई खास बात नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन। अरे लड़की जब आएगी तब आएगी, शुभ मुहूर्त में मंगनी कर लेते हैं। साहब जी एक मिनट। एक मिनट अभी। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी निकाल। ड्राइवर गाड़ी रोको। क्या जमाना आ गया है, न्याय देने वाले जज साहब की बेटी सरेआम खुलेआम दारू पी के इस तरह यहाँ पड़ी हुई है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे बड़े घरों में सब ऐसा ही होता है, बाहर से देखो तो आलीशान होते हैं, अंदर जाकर देखो तो कूड़े के ढेर होते हैं। अरे लड़की बिगड़ गई तो क्या हुआ, दौलत कौन सा कम है, किसी के सर पे मुड़ देंगे उसको, क्या फर्क पड़ता है। अरे मालिक मालिक मालिक, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? ये तो चुपचाप जा रहे हैं।
सिर बेमल सिर बेबे डैडी ऊपर ही हैं जी। हाँ। अच्छा मालिक ये आपने क्या किया मालिक आपने आज तक सैकड़ों फैसले किए हैं जिसमें सत्य है लेकिन बिना किसी अपराध के आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया मालिक क्यों लिया मालिक ये कैसा इंसाफ किया आपने मिस्टर प्रताप लिली पार्टी किसे ढूंढ रही है हाँ डार्लिंग हमारे विमल की लवर प्रिया का भाई है ये मेरी बहन कहाँ है वही है भाई उस बंगले के पास हमें नहीं पता भाई कुछ भी बोल यार तेरी बहन है बहुत सेक्सी मेरी बहन कहाँ है उसकी नशीले आंखें उसका नोकीला नाक उसकी सुराईदार गर्दन मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता विमल प्रिया का भाई तुम्हें खोज रहा है यहाँ हमारे आदमियों को भी मार रहा है तुम शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ फौरन मेरी बहन कहाँ है? मुझे पता।
हाय भैया, सिंगापुर की ट्रिप कैसी रही? फैंटास्टिक। हाय विमल भैया, आप कैसे हैं भैया? नमस्ते भाभी। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, इतनी सारी बैंडेज लगाई है आपने और कुछ नहीं। चलो 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 चलो। कपड़े जो दिए थे पूरे है ना, गिन लो। ले पकड़। एक, दो। अच्छा ये क्या, दूसरे के घर की साड़ी लाके यहाँ दे रहे हो? वैसे ये साड़ी है या कोई पत्थर, इतनी भारी है। मैडम किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, मगर इस साड़ी के बारे में मत पूछो। वैसे तू क्या जानता है? हाँ ऐसे पूछो, तुम्हारे जैसी गोरे बदन वाली लड़की जब इस साड़ी को पहन के बलखाती हुई गांव के खेतों में जाएगी तो तुम्हारे चाहने वाला आ। अर्जुन रे अर्जुन रे, काम जगी अर्जुन रे, नशीली नजरों से न देखो पगला जाएंगे हम। मेनका बहक रहा है मन मेरा, प्यासा मैं प्यासी तुम, हम कर ले आज संगम। जाएंगे गम गाने लगेगा तेरा मन, आज कर ले संगम। आज उठी है उमंग, आज मस्त है मौसम, प्यार में डूब कर एक हो जाएंगे हम। अपना तड़पाला जो शर्म भुला दे, तेरे कदमों के नीचे ही जिएंगे जान ले सनम। मेनका बहक रहा है मन मेरा, प्यासा मैं प्यासी तुम, हम कर ले आज संगम। हा, 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 हा,
ये तुम ये समझ लेना, तुम भी न सुना होगा तेरी कसम मेरा चमन। कब तक धुर रखे सपनों में जिएंगे हम, मेरी सोनी मांग को कब भरोगे सनम। आज क्या कल क्या जब भी बोलो सनम, आज क्या कल क्या जब भी बोलो सनम, भरी सभा में ब्याह करेंगे हम तुमसे, हम तुमसे। अर्जुन रे अर्जुन रे काम जगी अर्जुन रे, नशीली नजरों से ना देखो पगला जाएंगे हम। मेनका बहक रहा है मन मेरा, प्यासा मैं प्यासी तुम, हम कर ले आज संगम। प्रताप प्रताप प्रताप, क्या बात है वर्मा? अपनी प्रिया के कॉलेज का फोटो छपा इस अखबार में। क्या कह रहे हो? ये देखो। ओ, उल्लू का पट्टा सिंगापुर से चेन्नई आ चुका है, अगर उसका पता चल गया तो हमारी बहन का भी पता चल जाएगा। का भाई हूं, मेरी बहन प्रिया कहां है? प्रिया? कौन प्रिया? मैं किसी को नहीं जानता। ए, मेरी बहन कहां है? बता कहां है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं कौन हूं? बिना मेरे बैकग्राउंड जाने बक रहा है क्या? कौन प्रिया? किसकी बहन? मैं किसी को नहीं जानता। चल भाग यहां से। मेरी बहन कहाँ है बता, नहीं तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। बता। मुझे नहीं पता। बता मेरी बहन कहाँ है? मुझे मुझे नहीं पता। मेरी बहन मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो तू भी नहीं बचेगा। बता। मुझे मत मारो। तो बता कहाँ है? बताता हूँ। हाँ। अभी बताता हूँ। Thank you.
पे मछली मैं क्या देख रहा, कैसे सहूंगा ये सब बहना, किस्मत भी क्या रंग दुनिया को दिखाती, मैं राखी से हरा। डॉक्टर, मैं प्रिया का भाई हूं, मेरी बहन को। डरने लायक कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन किया है, कई हादसों को झेला है इन्होंने, सो नर्वस ब्रेकडाउन के कारण इनको सदमा पहुंचा है, इसलिए ऐसी हालत है इनकी। चाहे कितना ही पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, मेरी बहन को। डोंट वरी, ऐसी हालात में घर का माहौल ज्यादा लाभदायक होता है। तो मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जा सकता हूँ? बाई ऑल मीन, वीकली वंस मेडिकल चेकअप कराइए, ये ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। रितु, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? प्रिया, प्रिया, सुनो भैया, प्रिया को क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। कॉन्स्टेबल्स, कोई स्टेशन के अंदर घुसकर किसी को जानवर की तरह मार रहा है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या ड्यूटी देख रहे हो तुम लोग? यूज़लेस फेलोस। रामचंद्रन। यस सर। ए, कौन है तू? हाँ, कौन है तू? पुलिस को क्या समझता है? हाँ? नहीं, मैं पुलिस की वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ, नहीं इसलिए छोड़ रहा हूँ। ओहो, पुलिस की इज्जत करता हूँ बोलने वाला, इसे स्टेशन के अंदर घुस के किसी को जानवर की तरह मारेगा क्या? ये विमल राज कौन है जानता है? यहाँ के नंबर वन वीआईपी माइकल राज का छोटा भाई है। माइकल राज के दुश्मनों का क्या हर्ष होता है पता है? सर, माइकल राज तो क्या, कोई भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता, लेकिन क्या करूं, इसने मेरी बहन की लाइफ बदल दी, उसे बर्बाद कर दिया, इसीलिए गुस्से में आकर मैं जानवर बन गया। अपनी बहन से मुझे बहुत आशाएं थी, वो अच्छा पढ़े, बड़ी डॉक्टर बने, एक अच्छे परिवार में रहे, सदा खुश रहे, लेकिन आज गले में मंगलसूत्र के बिना, पेट में बच्चा रखकर अपने इस भाई को बिना पहचानने वाली पागल बन गई है। सर, इसने मेरी बहन को पागल बना दिया, लेकिन वो जिंदा है, और मेरे माता पिता को वो सौभाग्य नहीं मिला। मेरे पिताजी एक जज थे, मेरी माँ एक डॉक्टर थी, हमारा बहुत ही खुशहाल परिवार था, बहुत खुश थे, उसे खुशी में ये तूफान बनकर आया। जिस इज्जत को वो अपनी जान समझते थे, उसे इज्जत के लिए उन्होंने जान दे दी है, और इन सब का कारण आपने कहा ना, वीआईपी बिजनेस मैग्नेट वगैरह वगैरह, माइकल राज ये उसी का भाई है, और इसी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। नो, ये क्या कह रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता, इनकी बहन से मैं कभी मिला भी नहीं, प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस। तुम्हें अपनी बहन से प्यार है, तो मुझे मेरे भाई से प्यार है, इसीलिए। कमिश्नर सर, प्रताप जेल से लौटा हुआ एक मुजरिम है, दैट इज अक्यूज्ड, क्या वो मेरे भाई पर कंप्लेन कर सकता है? नहीं कर सकता सर। परेशानी किसे हुई थी? इसकी बहन को। तो उसकी बहन को आकर कंप्लेंट देने के लिए कहिए। सर, अब उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। क्या वो अब हॉस्पिटल में है? है,
तो फिर क्या है, ठीक होने दीजिए, कंप्लेंट करेगी? आप जब भी कहेंगे मैं अपने भाई को लेकर आ जाऊंगा। और कुछ चाहिए? ठीक है सर, आप जा सकते हैं। किसने बोला मित्र को पकड़ने के लिए? किसने बोला तुझे? सुनो, निकाल हट। ये लीजिए। प्रताप, वन मिनट। बात सुनो, कानून का हर दाव पेच मेरे लिए पेपर वेट की तरह है, जब भी चाहे घुमा सकता हूं। तो तुम क्या चीज हो? माइकल राज, तेरे लिए कानून पेपर वेट होगा, लेकिन मेरे लिए कानून फाइट फॉर द राइट है। भिड़ कर देख लेना, तुम्हारे पेपर वेट कानून को पीस पीस कर दूंगा। गुड, वेरी गुड। आउट, गेट आउट। Thank you.
जीवन कहा देवों ने क्या नहीं किया, पार्वती और शिव ने क्या नहीं किया, सारे सृष्टि में मोह है बसा, आदिकाल में बीता परवाना, बीच मजदार में मत छोड़ना, मोह में सब बसते मुझ में क्या नहीं, रात है नशीली आ अबलम आ आ अबलम, मस्ती चाई जान टकराए हम, हाय मेरी पतली कमर। क्या चाहिए? ये दवाई चाहिए।
प्रताप, प्रताप, क्या हुआ? प्रताप, हाँ? हमारी प्रार्थना बेकार नहीं गई, प्रिया ठीक हो गई, हाँ? उसकी याददाश्त वापस आ गई, वो ठीक हो गई। प्रिया, 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 जाओ, मर जाओ, अपने ही बराबर में मेरे लिए एक धंधा बांध कर मर जाओ। कितने दिनों तक तड़पते हुए राह देने के करके तुम्हें खोजा, तुम्हारी याददाश्त लौटेगी, मुझे पहचानने की मुझसे बात करोगे ऐसा सोचा, झूठ था। जाओ, मर जाओ, जाओ। सोच के तूने ऐसा फैसला लिया कि यही दिन देखने के लिए तेरे भैया ने इतने दुख उठाए? भैया, माना कि मैं तुम्हारी सगी बहन ही हूं, लेकिन अपने मम्मी पापा की खूनी भी हूं, परिवार की मर्यादा को रौंदा है मैंने, तुमसे किस मुंह से आकर मिलती मैं? भैया बोलो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मतलब है? अगर अब तू मर जाएगी तो क्या तेरे खोए हुए माँ बाप तुझे वापस मिल जाएंगे, या फिर तेरे भैया को कोई खुशी मिल जाएगी? इधर देख प्रिया, अनजाने में तुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा तो भगवान ने तुझे दे दी है। सुनो प्रिया, तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है, कम से कम उसे पालने के लिए तुम्हें जीना ही पड़ेगा। प्रिया, मेरी बात को समझना होगा तुम्हें। मेरी बात सुनो प्रिया, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। जिससे प्यार करके तुम गर्भवती हुई उसके बारे में मैंने फैसला किया है, तुम्हारा फैसला क्या है? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर, प्रताप की बहन की स्टेटमेंट सीएम तक चली गई है, आपके भाई विमल राज को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट। और एक खास बात, उस लड़की की कंप्लेन के आधार पर आप पर और आपकी कंपनी पर सरकार कड़ी नजर रख रही है, आप पर कभी भी कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इफ यू डोंट माइंड, हम आपके भाई को अरेस्ट कर सकते हैं क्या? आप विमल राज को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये उसका बेल ऑर्डर है। जब जरूरत होगी वो कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। पढ़ लीजिए। और कुछ जानना चाहते हैं? सब ठीक है सर, आपसे गुजारिश है, ये फरमान ऊपर से आया है, आप हमें प्लीज गलत मत समझिए, हम चलते हैं सर। Mm-hmm.
चलता हूँ सर। एलेक्स, नहीं, मुझे अब कानून पर भरोसा नहीं रहा। रिस्क क्यों ले? प्रताप की बहन को खत्म कर देते हैं। फिक्स, फिक्स। जनाजा तैयार कर दो। चलो। प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया। हे भगवान। सब यही रुकी। डॉक्टर, प्रिया को कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरे की कोई बात नहीं, पेशेंट को बहुत स्ट्रेन हो गया था, एक हफ्ता रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप जाके मिल सकते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। प्रताप, इस तरह मुंह लटकाने से क्या होगा? कोर्ट में जाने से पहले हमने वकील से बात की थी, वो बता देते हैं उसे, बाकी सब वो संभाल लेंगे। भैया। क्या हुआ प्रिया? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ भैया। घबराओ नहीं प्रिया, अंजलि यहां पर है ना, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी आ जाऊंगा। Thank you.
चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। जी अच्छा। फादर, सारे संसार के पिता परमेश्वर, क्या मैं क्षमा कर देंगे? हमने जो पाप किए हैं वो। क्यों री, तू कोर्ट में जाके गवाही देके हमें फांसी लगवाएगी? अलेक्स, इसे डराओ मत, नारी का पाप नाश कर देगा और ऊपर से ये मां बनने वाली, तुम जाओ, जाओ ना। कहाँ ना जाओ? सौभाग्यवती भव। Thank you.
मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ भैया। प्रताप, प्रताप, होनी को कौन टाल सकता है? अब तुम जल्द से चिता को आग दो ताकि प्रिया की आत्मा को शांति मिले।
बाइबल हाथ में लेकर उपदेश देने वाले तुम रिवॉल्वर हाथ में उठाने की हिम्मत कैसे आ गई? अपने आप को यीशु के पुत्र कहते हो, अपने आप को पादरी कहते हो, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? यस माइकल राज, तुम ये ईसाई होकर क्रिमिनल की जिंदगी जी रहे हो, ये सोचकर शर्म आ रही है मुझे। शट अप! इस देश में लाखों हजारों क्रिमिनल्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। उन क्रिमिनल्स की गिनती कम करना पुलिस का काम है, कानून कहता है, लेकिन हमें मारकर ईसाइयों की गिनती कम करना एक पादरी का काम नहीं है, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है। चाहे कोई खून करे या चाहे चोरी करे या फिर भले अपने ही देश से गद्दारी करे, अगर कोई ये सोचे कि अपनी कौम की रक्षा होनी चाहिए तो वह एक शैतान से भी बदतर है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी मजहब क्यों ना हो, उनमें से जो शराफत की जिंदगी जीना चाहे, सिर्फ वही इंसान वही उस धर्म का रक्षक है। सच कहूं तो तुम ये ईसाई ही नहीं हो। तो फिर मेरे गुनाहों की माफी क्यों दी? अनजाने में जो भी पाप हो उससे कोई भी इंसान जीवन भर अपने पापों के बोझ तले दबाना रहे, इसलिए यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं। एक पादरी के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, उसे तुमने ढाल बनाकर पाप पर पाप करते चले गए। वो सुन सुनकर जप करने वाले मेरे मन में खून करने की भावना जाग उठी। अगर सच कहूं तो अब मैं भी पादरी नहीं हूं और तुम भी ईसाई नहीं हो। तुम्हारा खून करना कोई पाप या गुनाह नहीं। फादर, एक मिनट। इंसान ही बनाता है धर्म, और वही धर्म इंसान को जानवर बना देता है। मेरा धर्म बड़ा है बोलकर जानवरों की तरह एक दूसरे को मारकर जीने वाले इस समाज में अपनी जाति को सभ्य बनाने की सोच रखने वाले आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर जाति में आप जैसे इंसान मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि एक खूनी बनकर आप जेल में जाएं। ये जंग मेरी है, इल्जाम भी मैं ही लूंगा। पिस्तौल मुझे दीजिए। नहीं मेरे बच्चे, एक भले इंसान ने एक बुरे इंसान को मारने के बजाय एक हिंदू ने एक ईसाई को मार दिया, ये बात दो धर्मों के बीच दरार बन जाएगी। यही आज जिस देश में हो रहा है।
मेरे धर्म पर लगे दाग को मैं अपने ही हाथों से धोऊंगा, क्योंकि फूल वाले पौधे को गुलाब जल डालने के बजाय जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ना ही बेहतर है। ये गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल दिखाओ कहने वाली यही पवित्र बाइबल ही है। पापों का आखिरी अंजाम मौत ही है। जो अंजाम मैं इसे दे रहा हूं मेरे बच्चे, यही कहता है हर धर्म। Thank you.